नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत खैर मकदम करती हूं। एक बार फिर से मैं शबनम की बात कर रही हूं। आज शबनम की करोड़ों की संपत्ति है इस समय। उसका घर है, उसके बाग हैं, खेत हैं, लेकिन इस पे कईयों की नजर लगी हुई है। सीधे सीधे देखा जाए तो संपत्ति वो अपने बेटे को देती है, क्योंकि वही उसका असली वारिस है, वाजिब वारिस है, ये साफ है। फिर क्या वजह है कि शबनम इस सोच में है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसे दे, दान में दे, सरकार को दे, या फिर क्या? इस या पे आकर के शबनम क्यों रुक जाती है? चलिए आज इस पे डिटेल में बात करते हैं। ताज इस समय उस्मान के साथ रहता है। ये उसके न केवल कस्टोडियन माता पिता हैं, बल्कि उसको दिलो जान से चाहते भी हैं। उस्मान शबनम को तब से जानते हैं जब दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उस्मान आज भी ये सोच के हैरत में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा कदम उठा सकती है, वो भी अपने परिजनों के लिए। शबनम को उस्मान ने हमेशा नेक दिल इंसान के तौर पे देखा, लेकिन इस घटना को भी वो दरकिनार नहीं कर पाते हैं। बल्कि उस्मान ने एक बार जेल में ही शबनम को एक बड़ी सी फटकार भी लगाई कि उसने ये क्या कर दिया। अब आते हैं कि ताज को प्रॉपर्टी मिलनी है या नहीं, शबनम क्या सोचती है ये वही जाने। लेकिन उस्मान कतई नहीं चाहते कि ये प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से उस ताज को मिले। उस्मान और उनकी पत्नी में ताज की जान बसती है, जाहिर सी बात है। उस्मान वो दिन कभी नहीं भूलते जब उन्होंने बड़ी मुश्किल से ताज को हासिल किया था। एक और तो ताज को लेने के लिए दुश्वारियां, और दूसरी ओर दुनिया भर के तंज, दुनिया भर की बातें जो उन्हें सुनने पड़ रहे थे उन दिनों में। उनके अपनों ने भी उनको तंज कसे और उनके यार दोस्तों ने भी कहा कि तुम जो है इस बच्चे को इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें शबनम की प्रॉपर्टी दिख रही है। शबनम ने भी शुरुआत में उस्मान को अपना बेटा देने के लिए हाँ नहीं भरी, लेकिन फिर जब उसको लगा कि उस्मान एक अच्छा जीवन उसके बेटे को दे सकता है, तब वो बामुश्किल उस्मान को अपना बेटा देने के लिए राजी होती है। यहाँ तक भी उस्मान ने सुना कि शबनम को फांसी हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी ताज की जाने की उस्मान की। इतने तंज सहे उस्मान ने, इतने तंज सहे, और वजह केवल तंज भी नहीं है, वजह और भी है। ये उस्मान और उनकी पत्नी जो हैं वो बेहद बेहद प्यार करते हैं ताज को। उन्हें हर समय एक डर सताता है कि कहीं ताज को इस संपत्ति से कोई नुकसान ना हो जाए। जाहिर सी बात है, संपत्ति बहुत सारी लड़ाइयों की जड़ बनती है, यही जमाने में देखा गया है। शबनम की चाची प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच चुकी है और इस समय बाकी की प्रॉपर्टी पे भी उसकी नजर है। और वो मीडिया के सामने ये कह भी चुकी है कि वो किसी ताज को नहीं जानती, कि ताज कौन है, उसे शबनम से कोई मतलब नहीं। शबनम को फांसी लगती है तो उसकी मिट्टी लेने के लिए भी आगे नहीं आएगी, उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी ताज के नाम होती है तो ताज के लिए आने वाले दिनों में कुछ बुरा ना हो जाए, ये डर हमेशा हमेशा उस्मान को सताता है। इसीलिए उस्मान बार बार शबनम को पूरी प्रॉपर्टी दान देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शबनम ने इस पर वकील से सलाह लेने की बात कह दी है। शबनम को भले ही फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन शबनम इस समय मीडिया के सामने कुछ कहना चाहती है। हालांकि उसकी ये बात पता नहीं अभी उसकी ये इच्छा जो है पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि उसको मीडिया के सामने बोलने की इजाजत दी जाएगी। खैर, अब
शबनम के गांव में के जो रिश्तेदार हैं, बावन खेड़ी में जो उसका घर है, उस पे सबकी नज़र लगी हुई है कि शबनम अपनी प्रॉपर्टी किसे देती है। शबनम का बेटा ताज, जिसे पूरे मामले में कोई भी उसका कोई दोष नहीं है इस पूरे मामले में, फिर भी वो 6 साल शबनम के साथ जेल में रहा। तो ये एक तरह की उसको भी एक सजा थी माँ के साथ, और उस रात के बारे में उसे कुछ नहीं पता। और अब जब फांसी तय हो गई है, एक बार फिर से ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तो वो कहानी फिर से दोहराई जा रही है। और अब इस कहानी को ताज थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। इन सब से अलग उस्मान किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि ताज को शबनम की प्रॉपर्टी में से कुछ भी मिले। वो उसे इस सब से इसीलिए दूर रखना चाहते हैं। और सच तो ये है कि वो ताज के लिए बेहद बेहद फिक्रमंद हो रहे हैं। वो ताज, जिसे अच्छा जीवन देने के लिए फैसला भी इसीलिए लिया गया था कि उसको ताज को अच्छा जीवन मिले, और अच्छा जीवन देना फिर भी बहुत आसान बात है, लेकिन जो एक अच्छा जीवन के लिए उस्मान और उनकी पत्नी ने एक फैसला लिया है, वो कोई आम कपल नहीं ले सकता। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है कि उन्हें और संतान की ज़रूरत नहीं है। उनका जो ताज है, वही उनके लिए सब कुछ है। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये कहा था कि मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी कि वो अपनी शबनम अपनी प्रॉपर्टी पे फैसला लेने वाली है। तो कोरोना कोविड के चलते जेल में कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि शबनम से कोई मिल ना सके, शबनम से कोई बात ना कर सके। यूँ कहिए कि शबनम बरेली जेल में इस समय क्वारंटाइन है, उसे कोई नहीं मिल सकता। उसे ही नहीं, जेल के दूसरे जो कैदी हैं उनसे भी कोई नहीं मिल सकता। तो ये सब चीज़ें तब तक पेंडेंसी में चलती रहेंगी जब तक शबनम की वकील उनसे नहीं मिलती है। तो मैं फिर आपको कुछ और नया अपडेट दूंगी आने वाले टाइम में। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना, उसे लाइक करना, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है। जय हिंद, जय भारत।